पूर्णिमा मैम, अगला सवाल टाटा स्टील के बाद। जियो फिन और टाटा मोटर के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए कि उसको खरीदना चाहिए या उसका क्या भविष्य है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और टाटा मोटर्स, ये दोनों क्यों आइडेंटिफाई करे आपने, ये दोनों क्यों सिंगल आउट करे आपने, स्टडी कर रखी, ये दोनों पसंद आ रहे हैं आपको, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं, जियो फिन रिलायंस ग्रुप का है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा उम्मीद हमको है उससे। हाँ, और टाटा मोटर तो टाटा मोटर है तो इसीलिए भाई टाटा मोटर्स तो टाटा मोटर्स है आस्था, और जियो फिन की पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, तो इनके दोनों स्टॉक सिलेक्शन मौजूदा भाव से लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं? देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो अभी भी लिया जा सकता है तो अच्छा ही, और या थोड़ी सी गिरावट आ जाए तो और अच्छा होगा मैम। 960 970 के जोन में तो बेस्ट बाइंग बनेगी। आपको मैम टाटा ब्रांड बहुत पसंद है ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। 960 70 के आसपास बनाओगे तो अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगर वहां तक आया तो आप बिल्कुल ले लेना। और जो इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स अब हमको देखने को मिलेंगे वो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1165 से लेके 1200 के रहेंगे, पर ये लॉन्ग टर्म में टारगेट दे रही हूँ। जहां तक जियो की बात है, यहाँ पे मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे तो डिप का वेट करना बनता है, तो यहाँ पे तो मतलब श्योर है कि थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, बहुत तेज हो गया मैम, अभी नहीं हमको एंट्री करनी है, बहुत ज्यादा तेज हो गया। इसमें थोड़ी गिरावट और आती है 340 के आसपास तभी लीजिएगा। टाटा मोटर्स में चाहे तो अभी भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जियो को तो गिरावट पे ही लेना है। बाय ऑन डिप्स, टाटा मोटर तो फिर भी अभी भी खरीद सकते हैं, जियो फाइनेंशियल खरीदना है तो डिप्स में ही एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जियो